Ashwin, in previous class, we have finished our chapter number 5, that is separate of money. Okay, let's start a new chapter, that is chapter number 6, 5.5. In this chapter, we will learn about clothes. Let's begin. Clothes are one of the primary necessity of everyday life. They are made from different types of material. Try to fill the clothes of your school uniform, socks, belt, tie and blazer. You will find that each one of them feel different. Some are smooth and soft, while others are porous. जैसे कि clothes जो है हमारी necessity है, primary necessity. Okay, clothes के बिना हमारी life बिल्कुल देख सोच ही नहीं सकते हम. और जो clothes होते हैं वो different materials से बनाए जाते हैं, जैसे कि natural clothes भी होते हैं और synthetic clothes भी होते हैं. Okay, यहाँ पे आपको एक activity perform करना है, try करना है. आपका school uniform है, school के uniform में आपके skirt होता है, shirt, tie, socks, shoes, belt, okay, blazer. ये सब को आपको टेस्ट करके देखना है. कोई substances, कोई आपके clothes जो होते हैं वो soft होते हैं, कोई clothes जो होते हैं बहुत ज़्यादा porous होते हैं, बहुत rough होते हैं. Next is history of clothing. Primitive people lived in the caves to protect themselves from hellish weather conditions. They lit fires to keep themselves warm. The earliest clothing was probably grass, leaves and bark of trees wrapped around the body. जैसे कि बहुत पुराने जमाने के लोग जो होते हैं वो केव्स में रहते थे. खुद को बचाने के लिए, आंधी तूफान से बचाने के लिए वो केव्स में रहते थे. और वो खुद के बॉडी को कवर करने के लिए घास और लीव्स का यूज करते थे कवर करने के लिए. ओके, और खुद को गर्म रखने के लिए फायर भी जलाते थे ताकि उनकी बॉडी गर्म रह सके. About 30,000 years ago, people started using animal skin as clothing. When the early people started farming and settled in the communities, they learned to weave grasses and skin into mats and start using them. 30,000 साल पहले जब people animal की skin use कर रहे थे clothes बनाने के लिए, वो एक community में रहते थे, उनको पता चल गया था कि clothes हमारा बहुत ज़्यादा primary necessity है. clothes बहुत ज़रूरी है. क्लोथ्स कैसे बनाए? ग्रास को लीव्स घर पर पहन नहीं सकते, लेकिन वो एनिमल्स की स्किन के हेल्प से वो अपने क्लोथ्स बनाने लगे. और उनको पता चला कि एनिमल के स्किन से हमारी बॉडी की कवर हो सकती है. दे यूज द फर एंड हेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड ट्विस्टेड देम इन लॉन्ग स्ट्रैंड दैट विल वेयर ऑन इनटू फैब्रिक. जैसे कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे शीप हो गए, गोट हो गए, उनके हेयर से वो एक बड़ा सा बिल्कुल आपके मेजरमेंट के हिसाब से उसको स्ट्रेच किया जाता है. उस तरीके से वो 20th सेंचुरी में
बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था शर्ट और पैंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइंस एंड अलाइड. एम इज गिवन टू फाइंड आउट हाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर. अब इस एक्टिविटी में बताना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनकी स्टिचिंग किस तरीके से किया जाता है, उनको किस तरीके से मटेरियल में भरा जाता है, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे एक्टिविटी में. मेथड इज दैट फ्रॉम योर लोकल टेलरिंग शॉप कलेक्ट सैंपल ऑफ वेरियस फैब्रिक. नाउ कट देम इनटू स्मॉल स्क्वायर शेप एंड प्लेस देम ऑन अ चार्ट पेपर. आइडेंटिफाई द मटेरियल. आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास कोई टेलर रहता होगा, उनके शॉप में जाओ, उनके पास से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ले जाओ और उस क्लोथ्स को स्क्वायर शेप में कट करके चार्ट पेपर में आपको स्टिक करना है. लेबर देम एज अ कॉटन, नायलॉन, सिल्क एंड वूल. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ फाइबर. जैसे आपको उस कॉटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को फाइबर को स्ट्रेस कर लो चार्ट पेपर में, तो उस फाइबर के नीचे आपको बताना है कि ये कॉटन का बना है, ये नायलॉन का बना है, या फिर सिल्क का है, या वूल का है. आपको पता नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं. नाउ टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ट्राई टू सी द वीविंग इन ईच फाइबर. अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको हर एक क्लोथ्स को देखना है कि किस तरीके से उनकी सिलाई की गई है, किस तरीके से उनको एक क्लोथ्स में तैयार किया गया है थ्रेड. ऑब्जर्वेशन इन ईच टाइप ऑफ फाइबर द थ्रेड्स आर इंटरवोवन इन द डिफरेंट पैटर्न्स. आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्लोथ में, हर एक फाइबर में अलग टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, हर एक टाइप अलग टाइप की उनकी वीविंग होती है. कोई लेफ्ट टू राइट, कोई राइट टू लेफ्ट होता है,